नमस्कार, मेरा नाम है हरदविंदर। फिर से आपका एक बार स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज सीखने वाले हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का क्या महत्व है, ये कॉन्स्ट्रेंट का क्या यूज़ है, कैसे ये कॉन्स्ट्रेंट काम करता है, कॉन्स्ट्रेंट करता है कोई भी वैल्यू एंटर करने को, कंडीशन क्या है, ये इसके बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल वे में आज इसको सीखेंगे। तो इसको समझाने के लिए मैंने दो टेबल्स बना रखे हैं आपके सामने। एक है स्टूडेंट्स नेम, जिसमें स्टूडेंट्स के आईडी और सब्जेक्ट आईडी और उनके नेम्स स्पेसिफाई किया है। दूसरा है सब्जेक्ट नेम्स में। तो पहले आप सब्जेक्ट्स नेम्स को समझ लीजिए, जिसमें हमने मेंशन किया है सब्जेक्ट की आईडी और सब्जेक्ट के नेम्स। जैसे 101 जो सब्जेक्ट कोड है, कौन से सब्जेक्ट का कोड है, ये फिजिकल एजुकेशन का, 102 कंप्यूटर एप्लीकेशन का और 103 म्यूजिक का और 104 पेंटिंग का, ये सब्जेक्ट्स के कोड है। और दूसरे टेबल में मैंने केवल सब्जेक्ट के कोड्स ही लिखे हैं। जैसे 201 सब्जेक्ट आईडी के जो स्टूडेंट है लियाम, उसका जो सब्जेक्ट आईडी है 101 है। 202 का है जो नोवा, उसका 102 सब्जेक्ट आईडी है। सब्जेक्ट के नेम लिखने के बजाय सब्जेक्ट की आईडीज मेंशन की हैं यहाँ पे। तो इससे क्या बेनिफिट रहता है कि क्यों नहीं हम बार बार सब्जेक्ट्स के नेम नहीं लिख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट हम उनके सब्जेक्ट के कोड्स लिख रहे हैं। कैसे इनको आप रिलेट कर सकते हैं दोनों टेबल्स को, कैसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का क्या महत्व रहेगा इसमें, ये सीखने वाले हम। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिन दोनों के टेबल में रिलेशनशिप बनाते हैं। टूल्स में जाकर रिलेशनशिप की ऑप्शन आती है, तो दोनों टेबल्स में ऑलरेडी रिलेशन बना हुआ है। एक बार डिलीट करके मैं आपके सामने दोबारा से बना देता हूँ। तो सबसे पहले तो टूल्स, अपने टूल्स में जाके इंसर्ट में जाके ऐड टेबल करने हैं। तो दोनों टेबल्स को सब्जेक्ट नेम्स और स्टूडेंट नेम्स के टेबल को ऐड कर लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट कोड, यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी है, फील्ड के अंदर हमने सब्जेक्ट कोड्स लिखे हुए हैं और यह सेम सब्जेक्ट कोड्स हमने स्टूडेंट के टेबल में भी मेंशन किए हुए हैं। तो इसके साथ आपने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कर देनी है इसकी। इसको रेफरेंशियली यहाँ से जोड़ देना। वन टू मैनी रिलेशन बन गया है। एक सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको ऑप्ट किया होगा, दैट्स वाई वन टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया है। तो इसको एडिट भी कर देते हैं। रिलेशनशिप को एडिट करने के लिए डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपडेट कास्केड और डिलीट कास्केड को भी, ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर दिया हमने। तो ये प्राइमरी की रहेगी सब्जेक्ट आईडी सब्जेक्ट नेम्स के टेबल में, और फॉरेन की रहेगी स्टूडेंट्स नेम के टेबल में। ये फॉरेन की का रोल अदा कर रही है। तो यहाँ पे यूनिक वैल्यूज रहेंगी सब्जेक्ट नेम्स के टेबल में। एक बार जो सब्जेक्ट कोड लिख दिया, सेम सब्जेक्ट कोड से दोबारा एंट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स नेम के टेबल में ये फॉरेन की है, तो इसमें आप रिपीटेड वैल्यूज भी एंटर कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट है, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने भी ऑप्ट किया हो सकता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट है, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया हो सकता है। इसलिए यहाँ पे रिपीटेड वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो एक बात हुआ है, प्राइमरी की में रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं होती हैं, फॉरेन की में रिपीटेड वैल्यूज़ हो सकती हैं। और इसका क्या रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट क्या रहता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंस्ट्रेंट क्या रहता है, ये भी हम सीखने वाले हैं अभी। तो रिलेशनशिप बनाने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। यस, तो अभी स्टूडेंट्स नेम में कुछ अपडेशन करते हैं। मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 225 और कोई सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं जूरिया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड लिख देता है 110। ये देखिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है 110 एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिख रहा है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायोलेशन, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की वायोलेशन लिख रहे हैं, लेकिन 110 की जगह 111 लिख रहे हैं, वो भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। लेकिन 112 लिख रहे हैं, वो भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 108 लिख दूँ, 108 ये भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो आप 107 लिख दोगे या 105 लिख दोगे, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। और 104 लिख दोगे तो एक्सेप्ट हो रहा है। क्यों भाई, 105 108 110 111 ये एक्सेप्ट क्यों नहीं किए इसने, ये सब्जेक्ट कोड्स क्यों एक्सेप्ट नहीं किए? क्योंकि सब्जेक्ट नेम्स का अगर आप टेबल देखो, तो इसमें 102 103 105 नाम का कोई सब्जेक्ट कोड है ही नहीं है। 110 नेम 10 कोड का भी कोई सब्जेक्ट नेम नहीं है। 11 का या 12 का सब्जेक्ट कोड का भी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं है। मीन्स जब आपने रिलेशनशिप बनाया, तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गया। इससे क्या है कि जो सब्जेक्ट नेम्स यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है सब्जेक्ट कोड, तो वहाँ पे आप सब्जेक्ट नेम में उसकी रेफरेंस कैसे दे सकते हैं। मीन्स
जो सब्जेक्ट का कोड लिख रहे हैं उसकी रेफरेंस तो सब्जेक्ट नेम से ही पिक करनी है ना। 101 हमने लिखा तो 101 कौन से सब्जेक्ट का कोड है वो वहाँ से ही रेफरेंस ले रहा है। तो ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट यहाँ पे लग गया है कि वो सब्जेक्ट का कोड आप सेम नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे जो अवेलेबल ही नहीं है, जो पेरेंट टेबल में है ही नहीं है सब्जेक्ट कोड, तो आप यहाँ पे नहीं एंटर कर सकते हैं। यह रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंस्ट्रेंट इसे कहते हैं। तो आगे इसका बेनिफिट क्या रहता है, रिलेशनशिप बनाने का क्या बेनिफिट क्या रहता है, इसके बारे में भी आगे सीख रहे हैं। सपोज अभी आप स्टूडेंट्स नेम्स का टेबल देख रहे हैं तो इसमें स्टूडेंट्स के नेम और सब्जेक्ट के कोड्स ही डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कोड्स की इंस्टेड ऑफ कोड्स यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट के नेम्स डिस्प्ले हों। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के साथ हमने इनका रिलेशनशिप बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं स्टूडेंट्स के नेम्स के साथ। हमें ये नहीं है कि हमें सिर्फ कोड ही लिखे हैं तो हम कोड ही देख सकते हैं, कि हमें ऐसे नहीं है कि 102 नंबर नोहा ने 102 नंबर जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया हो तो इसका सब्जेक्ट कोड के साथ मैच करके दूसरे टेबल में जाके इसका नेम देखना पड़ेगा मुझे। जैसे हेनरी ने 102 एक्सेप्ट किया तो 102 मुझे वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा कि 102 किसका कोड है। तो हम इसके साथ रिलेशन किया हुआ है तो यहाँ से हम डायरेक्टली सब्जेक्ट आईडी के कॉरस्पॉन्डेंस उनके नेम्स यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैसे, इसके लिए आप क्वेरी बनाएंगे, क्वेरी में जाके क्रिएट क्वेरी डिज़ाइन में जाके हम थोड़े दोनों सब्जेक्ट्स को ऐड कर लेते हैं, स्टूडेंट्स नेम के टेबल को और सब्जेक्ट नेम्स के टेबल को ऐड कर लेते हैं। और उनके बाद पहले मैंने स्टूडेंट्स के नेम डिस्प्ले करवाने हैं, स्टूडेंट्स नेम्स के टेबल में से स्टूडेंट के नेम प्रिंट करवाने हैं। पहले मैं इसके आईडी डिस्प्ले करवा लेता हूँ, स्टूडेंट्स के आईडी डिस्प्ले करवाने हैं और स्टूडेंट्स नेम्स के टेबल में से ही स्टूडेंट्स के नेम प्रिंट करवाने हैं, स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट नेम्स के टेबल में से सब्जेक्ट्स के नेम प्रिंट करवाने हैं। तो अभी आप रन करोगे क्वेरी तो आप देख रहे हैं कि सामने जो स्टूडेंट ने जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया उसका नेम डिस्प्ले हो रहा है, ना कि उसका आपको कोड डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने इनका रिलेशन बनाया, उसने कॉरस्पॉन्डेंस उससे उसकी वैल्यू पिक कर ली है कि जो 101 कोड था फिजिकल एजुकेशन का था, इसीलिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो कोड दिखा था उसके साथ मैच करके जो भी कोड हमने डिस्प्ले करवाने उसके सामने ये डिस्प्ले हो गया। 23 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, हर एक स्टूडेंट ने कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया है ये आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया है। तो अब इसको मैं क्वेरी को सेव कर देता हूँ, क्वेरी का नाम लिखते हैं सब्जेक्ट असाइंड। तो ये क्वेरी सेव हो गया। तो इतना ही नहीं है, और भी इसके काफ़ी बेनिफिट हैं। जैसे मैं अभी रिपोर्ट बना रहा हूँ, रिपोर्ट में सपोज मैं चाहता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आ जाए, कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का हेडिंग आ जाए और जो जो स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑप्ट किया उनकी लिस्ट आ जाए, फिजिकल एजुकेशन का हेडिंग आ जाए, जो जो स्टूडेंट्स ने ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट को ऑप्ट किया उनकी लिस्ट आ जाए, ऐसे रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ। तो ग्रुपिंग मैं सब्जेक्ट वाइज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं रिपोर्ट पर क्लिक करके क्रिएट यूज आ विजर्ड टू क्रिएट अ रिपोर्ट, इसमें से मैं किसकी रिपोर्ट बनानी है, सब्जेक्ट असाइन जो क्वेरी थी उसी की रिपोर्ट तैयार करनी है और सारे फील्ड मुझे चाहिए। तो नेक्स्ट जाएंगे हम, नेक्स्ट में जाके मुझे इन लेबल्स को अगर एडिट करना तो कर सकता हूँ, अगर मुझे सेम ही लेबल रखने हैं तो ऐसा आर चॉइस, मैं चाहता हूँ कि इनमें से अंडरस्कोर हट जाए तो मैं हटा देता हूँ, मुझे जब डिस्प्ले होंगे रिपोर्ट के अंदर जो अंडरस्कोर नहीं आएंगे। नेक्स्ट में जाएंगे तो नेक्स्ट में जाके आप ग्रुपिंग किसके हिसाब से करना चाहते हैं, सब्जेक्ट नेम से ग्रुपिंग करना चाहते हैं, सब्जेक्ट नेम को एज ए ग्रुप रखना चाहता हूँ, ग्रुप हेडिंग होगा उससे सब्जेक्ट को ग्रुप बना के उस सब्जेक्ट के ग्रुप से निकल के बाहर आ जाए, फिजिकल एजुकेशन वाला ग्रुप आ जाए, ऐसे ही कंप्यूटर एप्लीकेशन का हिंदी का ग्रुप आ जाए, म्यूजिक का ग्रुप आ जाए। तो ग्रुपिंग मैं सब्जेक्ट नेम से के अकॉर्डिंगली करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट मुझे सॉर्टिंग करनी है, पहले तो बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट नेम के अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर आ ही रहा है, और दूसरे नंबर पे उसके अंदर फर्दर वो स्टूडेंट की आईडी के अकॉर्डिंगली असेंडिंग हो जाए। तो नेक्स्ट में जाके नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, बैक में जाएंगे तो लेआउट है, कोई भी लेआउट जो आपको पसंद है आप डिसाइड कर सकते हैं, पेज की ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, यू विश, डिमांड है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो अभी कुछ भी चेंजेस इसमें मैंने नहीं करनी है, मॉडिफाई नहीं करना, तो फिनिश करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज आपके सामने ये लिस्ट डिस्प्ले हो गई है, सब्जेक्ट का नेम आ गया ऊपर और कौन कौन से स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट को ऑप्ट किया ये डिस्प्ले हो गया। तो इसके साथ ये भी इसका काफ़ी बेनिफिशियल रहता है आपके लिए, इसके साथ ही आप इस रिपोर्ट को सेव भी कर सकते हैं, ये स्टूडेंट असाइंड। सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, जैसे
फिजिकल एजुकेशन है, इसकी जगह मैंने हेल्थ एजुकेशन लिखना चाहता था। वो सब्जेक्ट का नेम लिखने के लिए ऐसे नहीं है कि जिस स्टूडेंट ने हेल्थ एजुकेशन को ऑप्ट किया उनको सबके जाके नेम मुझे बार बार चेंज करने पड़ेंगे, तो एक बार सब्जेक्ट का नेम आप चेंज कर दोगे ऑटोमेटिकली वो सब पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बेनिफिट रहता है रिलेशनशिप का कि हमें 10 स्टूडेंट्स ने सेम सब्जेक्ट को ऑप्ट किया, मालूम है अपडेट करना चाहता हूँ सब्जेक्ट का नेम, ऐसे नहीं है कि मुझे 10 टाइम अपडेट करना पड़ेगा, एक बार अपडेट करेंगे ऑटोमेटिकली रिलेशन में सारे अपडेट हो जाएंगे। तो अभी टेबल्स में जाके सपोज मैं चेंज करता हूँ सब्जेक्ट के नेम्स में जाके हेल्थ एजुकेशन की जगह फिजिकल एजुकेशन की जगह हेल्थ एजुकेशन कर देते हैं, हेल्थ एजुकेशन, और सेव करेंगे आप। तो जब भी आप क्वेरीज में जाके देखेंगे दोबारा से तो देखो जो भी जहाँ जहाँ फिजिकल एजुकेशन लिखा था वहाँ वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन ऑटोमेटिकली आ गया, और रिपोर्ट्स में जाके भी चेक करोगे तो रिपोर्ट्स में भी आपको ये डिफरेंट अपडेटेड शो हो गया, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया हेल्थ एजुकेशन। ये देखिए इसका एक बेनिफिट ये रहता है, एक हमने कास्केड अपडेट और कास्केड डिलीट की ऑप्शन भी सिलेक्ट की थी, उसमें ये है कि सपोज ये आप देख रहे हो स्टूडेंट्स के नेम्स में जो 101 कोड दिखा हुआ है फिजिकल एजुकेशन का, मैं चाहता हूँ फिजिकल एजुकेशन का कोड अपडेट करना है, 101 की जगह 111 है उसका कोड सपोज करो, तो ये जितने बच्चों ने 101 लिखा हुआ तो सब में जाके मुझे दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा, तो दैट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। तो इसलिए मैं सब्जेक्ट नेम्स में जाके इसका कोड चेंज करके 110 की जगह 111 कर देता हूँ। इसको क्लोज करते हैं, यस कर देते हैं, और दोबारा से देखेंगे आप खोल के तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पे 101 लिखा हुआ था वहाँ पे 111 आ गया, अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली। तो इससे क्या बेनिफिट हो, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो गई है कि ऐसी नहीं कहीं हम चेंज कर दिया किसी स्टूडेंट का चेंज करने से भूल गए तो ऐसी प्रॉब्लम्स है वो भी इससे सॉर्ट आउट हो जाती है कास्केड अपडेट से। कास्केड डिलीट में ऐसे होता है कि मान लो मैंने किसी सब्जेक्ट का नाम ही यहाँ से डिलीट कर दिया, उड़ा दिया, तो इससे रिलेशन में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबके रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे स्टूडेंट्स टेबल में से। कास्केड डिलीट का मतलब ये रहा है कि 109 के जितने भी रिकॉर्ड होंगे ऑटोमेटिकली, जैसे एमा और आईबीआई 109 है, 214 और 215 इनका सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट सपोज मैंने 109 मैंने हटा दिया यहाँ से, डिलीट कर दिया, डिलीट यस। अब आप दोबारा से इनको देखोगे तो 102 जो थे वो 109 वाले रिकॉर्ड ही यहाँ से डिलीट हो गया, 113 के बाद सीधा 116 आ गया, तो ये ऐसे कास्केड डिलीट हो गया जहाँ से रिकॉर्ड ही डिलीट हो गया, मतलब हिंदी के जो जिन्होंने हिंदी ऑप्ट की थी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड वो डिलीट ही हो गया क्योंकि मैंने उसकी रेफरेंस टेबल में से हिंदी डिलीट कर दिया, तो हिंदी के जो रेफरेंस ही टेबल में स्टूडेंट थे वो भी कास्केड डिलीट हो गया। तो ये होती है कास्केड अपडेट और कास्केड डिलीट। तो ये था आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रैक्टिकल वे में। अगर थ्रेटिकली आप पढ़िए तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डेटा स्टेटिंग दैट ऑल द रेफरेंसेज आर वैलिड, मींस अगर आपने रेफरेंस दी है 101 दिया है तो मस्ट बी 101 रेफरेंस टेबल में 101 नाम का कोई सब्जेक्ट होना जरूरी है, वैलिड होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि कोई भी आप कोड लिख दो, अगर कोड वहाँ पे सब्जेक्ट टेबल में है ही नहीं है तो फिर आप नहीं लिख सकते, वैलिड होने जरूरी है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप डाटाबेस इट रिक्वायर्स दैट इफ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन रेफरेंसेस अ वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट देन द रेफरेंस्ड वैल्यू मस्ट एग्जिस्ट, रेफरेंस्ड वैल्यू वहाँ पे एग्जिस्ट होनी जरूरी है दूसरे टेबल के अंदर। तो ये था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सपोज आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए हैं, ये रिलेशनशिप है वन टू मैनी रिलेशनशिप। एक बार फिर से बता दें यहाँ पे ये फॉरेन की प्राइमरी की है और यहाँ पे जो रेफरेंसी टेबल में जाके ये फॉरेन की बन जाती है। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।